ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਫੜੀਓ ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ करन आए सी डीसी साहब नाल भाई लुधियाना च जदों वैक्सीन ड्राइव शुरू हुई उस वेले इन्होंने एक नंबर दिता सी भी जिन्हें भी बुक करानी होवे साइट वह बुक करा लो साड़ी सरकारी टीम उत्थे जाऊगी और चेक करूगी। बड़ा वधिया काम चलिया एनजीओज ने मंदिरों वाले ने गुरुद्वारे वाले ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बुक कराए वैक्सीन मिलने लग गई वैक्सीन लगन लग गई। लगभग 100 कैंप भारतीय जनता पार्टी ने लाए अपने अपने स्तर पर 70-30 अपने एनजीओज नाल मिलकर असं वैक्सीनेट किया। उस तो बाद कांग्रेसियों ए लगन लगा कि शायद इन्हें भाजपा का सारा मेला लुट के लै जू। उन्होंने प्रशासन से दबाव पा करके वो साढ़े सारे कैंप जिहड़े पेंडिंग सीगे लगभग 400 कैंप कैंसल कराते और सरकार नू ये मजबूर करता स्वास्थ्य विभाग नू कहते कि असी सरकारी डिस्पेंसरिया से वैक्सीन करांगे साढ़े लोग लाएंगे असी का कोई दिक्कत नहीं है तुसी ये भी करो। जिथे पहला 70-80 जगह पर रोज वैक्सीन लगती थी लुधियाने के अंदर इन्होंने घटा के टोटल लुधियाने जिले के अंदर कमिश्नरी जिले डीसी के जिले के अंदर 24 या 25 जगह करती 33 जगह करती लेकिन लुधियाने के हिसाब न शहर के हिसाब न 8-10 जगह ही उत्थे गिनती होंगी है और 8-10 जगह पर चाहे मंत्री होवे लुधियाने का उन्हें पखोवाल रोड से कब्जा किया होया भी मैं किसी को फड़न नहीं देना उसकी फोटो उसकी घरवाली की फोटो बाहर लगी है। सिक्खे वाला जो मनी ग्रेवाल इन्हों का कौंसलर बैठा उसकी फोटो लगियां उन्होंने कब्जा किया। इधर आ जाओ तुम इस्लामिया स्कूल आ जाओ इस्लामिया स्कूल आ जाओ तो अपना मलगोत्रे ने कब्जा किया सीनियर डिप्टी मेयर मलहोत्रे ने कब्जा किया है। मैरियट स्कूल पर आ जाओ तो उत्थे सन्नी भल्ला मनीषा कब्जा करी बैठे है। इस तरह जिनी जगह पर वैक्सीन लग रही है सब जगह पर उसका राजनीतिकरण होया और कांग्रेसियों ने उत्ते कब्जा किया और विद प्लैन भाजपा ने जोड़े 400 कैंप कराए हुए थे आयोजित लिखाए हुए थे इन्हों की मंजूरिया से उन्होंने पोस्टबंद कर बहाने खत्म करता और वह हाल की होया 23 जगह पर लगन का या लुधियाने जो 10-15 जगह लगते हैं वह हाल हो कि जेडे कौंसलर ने अपने बंदियां नूं पर्ची देंदे आ जां भी सवेरे तैनूं रजिस्ट्रेशन कराने की लोड़ नहीं 4 दरवाजे तो जाके वैक्सीन कराया और आम जनता उत्थे धक्के खा रही है। कोविड का बुरा हाल है वो आप एक पासे तक ने प्रशासन कहिंदा कोविड च भीड़ नहीं लानी नियम नहीं तोड़ने दूजे पासे एक ही जगह पर 300-300 वैक्सीन भेज के एक तो नजायज़ ढंग नाल वैक्सीन हो रही है और दूजे पासे उत्थे 500-500 बंदा लाइन च लगा और कोविड दे धज्जियां उड़ रही हैं। असीं यह गल कहना है एक तो तुरंत इहदा राजनीतिकरण बंद किया जाए नहीं भारतीय जनता पार्टी इहदे ते कोई ना कोई सख्त एक्शन लूगी भारतीय जनता पार्टी लुधियाना और दूसरी ये वैक्सीन नूं बजाय एक स्पॉट पर 300-300 भेजन की जगह जिदा प्यार लुधियाने पहला 100-100 स्पॉट से 200-200 स्पॉट से 80 स्पॉट से 90 स्पॉट से वैक्सीन असी संवेदना के माध्यम के नाल भी कैंप लाया उत्थे लगभग 18 दिन तक लगातार कैंप चलिया 1800 लोगों की वैक्सीन हुई। इदा ही साढ़े होर भी एनजीओ से भाजपा के कार्यकर्ता ने सीधे तौर पर भी लाया असं अच्छ कहना है इदा ही बजाय लुधियाने की 10 जगह तो बदल के 300-300 तुम वैक्सीन भेजो इन्हों कैंपा सारियां खोल दो सारे एनजीओज नूं दिओ सारे मंदिर गुरुद्वारे वाले जिहड़े मंगदे उन्हां नूं दिओ जिहड़ा कहिंदा खोल दिओ देश हित लई काम है ये कोई भाजपा का निजी काम नहीं है
और दूसरा आशु की फोटो लगेगी कि प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, क्यों भाई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है कि नाम बीजेपी का प्रधानमंत्री पूरे देश का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधानमंत्री इन्होंने वैक्सीन दे रहा और बाद प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगन देंगे, क्यों नहीं लगन देंगे, इन्हों की फोटो लग सकती है मंत्री की, साडे प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं लग सकती, इन्हों की मंत्री की जनानी की फोटो लग सकती है, साढ़े जिला अध्यक्ष भाजपा के जो होर लोग हैं इन्हों की फोटो नहीं लग सकती। सो यह राजनीतिकरण पूरी तरह होया, ये असं प्रशासन को चेतान आया इनू ठीक करो, नहीं तो यदा नतीजे जोड़े है शहर वासियों लिए नुकसानदायक हो गए, भीड़ा लगन गियाँ, यद राजनीतिकरण खत्म हो गया। डीसी साहब कहते असं तुरंत ये कार्रवाई करा देखा, और सब तो बड़ी जी गल है भी जानकारी देता कि जी वैक्सीन बहुत सारी वैक्सीन ऐसी लग रही है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, कौंसलर ने कब्जा किया सवेरे अपने बंदे पर्चियां देकर भेज देंगे और जाके चुपचाप लगवा देंगे, और कोई हिसाब किताब नहीं है कुछ नहीं है। कोवा ऐप के उत्ते रजिस्ट्रेशन शुरू करती, 15-15 दिन तक कोई भी सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, इस करके राजनीतिकरण का अभी जो किया यदा पूरी तरह विरोध करते हैं, ठीक किया। अज भारतीय जनता पार्टी का एक डेपूटेशन साढ़े जिला प्रधान श्री पुष्पेंद्र सिंगल जी की रहनुमाई डीसी साहब को मिलया, जिस साढ़े विशेष रूप से प्रोफेसर भंडारी जो साढ़े भूतपूर्व पंजाब के प्रधान है वो भी सीगा, बाकी भी सीनियर लीडर से साडा। अज का मुद्दा यह सीगा कि जिहड़ी वैक्सीनेशन आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो बार बार इस गलते बड़ा पूरी सरकार लगी है, और अज पूरे देश करीब 18 करोड़ तो वध वैक्सीनेशन हो चुकी, और लुधियाने के अंदर भी करीब 7 लाख लोगों की वैक्सीनेशन होगी। मैं डीसी साहब को बधाई देना, लेकिन जिहड़ी मौजूदा सरकार है कांग्रेस के लोग कांग्रेस के नेता उन्होंने MLA तो उन्होंने मंत्री ये भी राजनीति कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यही लोग से जोड़े पहला वैक्सीनेशन लवाने वाले हैं और वैक्सीनेशन के खिलाफ बोलते सी, हूँ ये की करते हैं सरकारी जोड़े है कि 300 वैक्सीनेशन भेज गई उत्थे का MLA उत्थे ने कब्जा कर लिया, कित कौंसल ने कब्जा कर लिया, कित डिप्टी मेयर ने कब्जा कर लिया, कितरी बैठा है। सो असी डीसी साहब को मिलना आया भी मान लो कि 200 डोज गई हैं, 300 डोज गई है, 300 डोज लवा वास्ते उत्थे बाहर भीड़ 600 बंदे की लग जाती है, उही आप 300 डोज में जो 100-100 डोज 3 जगह पर भेजेंगे तो साडा काम भी तेजी नाल होएगा, और असी डिफरेंट NGO आज काम करने तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के पहला कैंप लगाया, होर भी भारतीय जनता पार्टी सहयोग करने तैयार है, असी राजनीति नहीं करते, असी इस काम से कोऑपरेशन करना चाहते हैं, और डीसी साहब को प्रार्थना करना है भी इस राजनीति जो लोग उत्थे जाके अपने बंदियां पर्चियां दे जाने लोग वापस मुड़ी जाने तो ऐसा सिस्टम ना हो बाइफरकेट कर ताकि काम तेजी नाल भी हो, और जी राजनीति कांग्रेस करती पी है उस राजनीति तो बचाव करना चाहिए। पहले बीजेपी कैंप लगाया